दोस्तों, सुबह का समय है और टिप्सी आराम से अपने बैठी हुई थी बालकनी में। और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने जीने में कुछ ये बोतल्स टांग रखी हैं और इन पेड़ लगाए हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आपको? बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, तो फिर मैंने ये कुछ पेड़ अंदर लगा दिए जीने में। ये देखिए चेन प्लांट है और ये है बॉन्ड्रिंग, जो ये पर्पल हार्ट है। हाँ, और मनी प्लांट, टर्टल वाइन। देखिए यहाँ पर थोड़ी छाया में ये कितनी अच्छी चल रही है टर्टल वाइन। ये देखिए दोस्तों, एकदम ग्रीन, और धूप में तो एकदम जलने लगी थी। देखिए दोस्तों, सनफ्लावर कितना अच्छा खिल रहा है मेरे गार्डन में। ये देखिए, और देखिए सर्दियों के पिटूनिया के साथ साथ अब ये गर्मियों का पिटूनिया भी, मैक्सिकन पिटूनिया, जो गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है, देखिए खिलना शुरू हो गया है। मेरे पास इसके दो तीन कलर हैं और ये देखिए बड्स भी आ रही हैं और ये फूल भी खिलने लग गए हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा कलर ये है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी तरह से खिलना शुरू हो चुका है। गर्मियों में तो यही पूरे गार्डन में रौनक फैलाएंगे हमारे। और ये देखिए हिबिस्कस दोस्तों, इस पे तो मुझे पूरे जाड़ों हिबिस्कस मिलते रहे। और ये देखिए कितने प्यारे फूल आए हैं, एकदम बड़े बड़े फूल हैं इसमें। और ये दूसरा हिबिस्कस है, इसमें भी कई बहुत सारी कलियां बन गई हैं। इसका कलर अभी मुझे नहीं पता, जब ये खिलेगा तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। देखिए, और ये मेरा गोरी चोरी के फूल भी खिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। दोस्तों होली का टाइम चल रहा है, तो इस समय गुजियों की तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर देती हूँ। ये देखिए मैंने मैदा डाल रखी है, ये देसी घी का मोइन डाला है मैंने इसमें, और ये दूध मैंने हल्का सा गर्म गुनगुना करके रखा है, और ये मैदा है, इसमें मैंने मोइन डाल लिया है। और इसको मोइन डाल के खूब अच्छी तरह से मल लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से, अगर ये मुट्ठी बन जाती है तो समझिए मोइन बिल्कुल ठीक है। और अब मैं इसकी मैदा मल के और गुजिया बनाऊँगी, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। और आज हमें पिक्चर देखने भी जाना है, तो प्रोग्राम बन गया है। आपने तो सुना ही होगा कश्मीर फाइल्स, वो पिक्चर देखने जाएंगे, तो इस समय मैं फटाफट गुजियों की तैयारी कर रही हूँ। चलिए फिर मैं आपसे गुजिया बनाकर शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये बन चुकी हैं हमारी गर्मा गर्म गुजिया, तैयार हैं होली के लिए। देखिए मैंने ये तल के रख ली है और अब मैं बना रही हूँ सेमे, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये बेल के और काट के रखी हुई है मैंने, और ये सेमे मेरी सिक चुकी है, और अब मैं इन्हें भी कढ़ाई में डाल के फिर आपसे शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी कढ़ाई में सेमे तली जा रही हैं और ये सेमे सिक चुकी हैं, और साथ में मेरा ये आटा रखा हुआ है, इसकी मैं बनाऊंगी छोटी छोटी मठरी। और इसमें मैंने अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है दोस्तों। कसूरी मेथी डालने से मठरी का स्वाद ही अलग हो जाता है, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो मैं मठरी बना के भी आपसे शेयर करूंगी। देखिए आटा रखा हुआ है, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है, पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद। ये देखिए दोस्तों, और मेरी ये मठरियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, अब बस मुझे दही बड़े बनाने रह गए हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए भी हैं, अपना अपना शेयर ले लीजिएगा, फिर कोई शिकायत ना करे कि होली पे हमें बुलाया नहीं। देखिए दोस्तों, मठरी, सेमे, गुजियाँ, ये सब चीज़ें मेरी तैयार हैं, आप लोग भी ले सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके, देखिए ये मैंने भगवान जी का भोग के लिए अलग से सारी चीज़ें निकाल दी। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बनती है तो सबसे पहले भगवान के भोग के लिए निकाल देते हैं, और ये मैंने निकाल दिया है दोस्तों। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा, मैं पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ अपना, तो आप लोग देखिएगा पूरा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं रखती हूँ, हैप्पी होली।